आप लोग भी बताओ कौन हो सकता है था फर्स्ट वन द विनर। आप बताओ कौन होना चाहिए। गेस कीजिए पार्टिसिपेंट्स, आप लोग ही बताइए कौन हो सकता है विनर। चलिए देखते हैं, आप में से कोई गेस तो करो एक हाथ। अच्छा क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दीप्ति जोशी, दीप्ति जोशी जोशी मैडम। आपको पूरा नाम? मेरा पूरा नाम दीप्ति मनीष जोशी है। आज इस एवरग्रीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2021 में आप विनर हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी विनर तो बहुत अच्छा लगता है विनर बनना, बट विनर बनने के पीछे भी बहुत सारी कहानी होती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या कहानी है थोड़ा? मतलब यही है कि आपको अपने घर की सारी लायबिलिटीज पूरी करके, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके, और फिर अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना, सुबह उठना 3 बजे, जाना है आपको 6:30 का ट्रेन पकड़ना हो या 7:30 का ट्रेन पकड़ना है तो आपको उस हिसाब से अपना टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग आप पे डिपेंड होते हैं खाने के नाश्ते के। तो बस वो सब चीजें, अपनी ड्यूटी पूरी हो जाए, कोई आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, वो सब पूरा करके फिर ट्रेन पकड़ के और बसई तक का सफर करना बोईसर से। अच्छा लग रहा है, सफल लग रहा है। आपका परिवार आपका सपोर्ट करता है? जी बहुत अच्छे से, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मैडम दूसरा सवाल आपसे है, आपको अपना पूरा नाम? मेरा नाम वर्षा निगमवर पाटिल है। आप प्रथम रनर पे, फर्स्ट रनर पे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, मैं सबका शुक्रिया गुजार करती हूँ। ये जो कॉन्टेस्ट है एवरग्रीन कॉन्टेस्ट, उसका मैं मतलब मेरे बहुत मन से, मेरा दिल में ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ, ऐसा मुझे स्टेज मिले जहाँ पे मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। मेरा भगवान ने सुन लिया है, गणपति बाबा, और मैं बहुत बहुत, मेरा जैसे कोई सपना था जो पूरा हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ करना था और आज मैंने वो कर लिया। भले मैंने मेरे लिए टाइम निकाला, मैं अभी जॉब करती हूँ, फिर भी मैंने खुद के लिए टाइम निकाल के, छुट्टी निकाल के, पूरी तैयारी लगन मेहनत करके ये मुकाम तक पहुँची हूँ। रंग लाइव मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ गायन्स का और देवेंद्र सर का और एवरग्रीन कॉन्टेस्ट के सर कांग्रेचुलेस का। मैडम देवेंद्र खन्ना साहब ने अभी कहा कि जो हमारे विनर्स हैं उनको हम वेब सीरीज में अपने लेंगे, तो आपके अंदर किस तरह की क्यूरियोसिटी है? बहुत क्यूरियोसिटी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप किस तरह की रोल करना चाहेंगे सर? वो तो नहीं पता मुझे, अभी मैं वो सोचना चालू कर रही हूं। आप यंग है, आप किस तरह की रोल करना चाहेंगे? सोचना चाहती हूँ उस बारे में, कैसे रोल मुझे कैच करेंगे। आप सबसे यंग है, मैं ऐसा कहूंगा, सबसे ओल्ड नहीं है, सबसे यंग है। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आपको मैं बीच में टोकता हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या है, किसी की उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन आपकी मैं उम्र जरूर पूछूंगा, आपकी एज क्या है? मैं 14 अक्टूबर को यानी कि 2 दिन बाद 67 की हो जाऊंगी।
तो आप दो दिन पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं थैंक्स कहूंगी देवेंद्र जी को कि जिनकी वजह से आज मुझे रियली बर्थडे गिफ्ट मिल गई है। कि पहचान तो है, पहचान काफी थी मेरी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और मैं ये सोच रही हूँ कब मैं घर भागूं और कब मैं जाकर बच्चों को ये बताऊं कि मैंने क्या किया आज और क्या हुआ, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरे पतिदेव जानते हैं। मैं उनको जरूर, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ, तो मैंने कहा बच्चों का क्या होगा। बच्चे मेरे शादीशुदा हैं, दो बच्चे हैं, बेटी बेटा, चार मेरे नाती हैं। तो वो कहने लगे जब मैंने हाँ कह दिया तो बच्चों को तो तुम छोड़ दो, तो अब तो मैं दौड़ करके जाऊंगी क्योंकि मैं सेकंड विनर हूँ। तो बड़ी खुशी से करता हूँ। आप अपने से कम उम्र की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाएं कभी भी कम उम्र की जो होती है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उम्र कम है या ज्यादा है, उनका दिल जवान। आप अगर मुझसे पूछेंगे 67 की एज में मुझे ऐसे लगता है कि मैं 40 साल की हूँ, क्योंकि दिल में उमंग होनी चाहिए। आप अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करते हो, अपने शौक भी पूरे कीजिए, जिसमें आपकी फैमिली का सहयोग होना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी फैमिली सहयोग कर रही है तो अपने सपनों को टूटने मत दीजिए, पंख लगाइए और उड़ते रहिए। थैंक यू। कंटेस्टेंट्स कोई जाइएगा मत, आपकी ट्रॉफी कलेक्ट करना है और फोटोशूट भी है आपके साथ में, तो प्लीज रिक्वेस्ट ऑल द कंटेस्टेंट्स टू स्टे बैक। जजेस हैव डन अ ग्रेट जॉब, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय हम ऐसे एक इवेंट का हिस्सा बने हैं जो आप देख सकते हैं, हमारे पीछे बैनर आपको दिखाई दे रहा है, वसई सत्ता एक जाना माना अखबार है, उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, एवरग्रीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2021। इस कॉन्टेस्ट में 30 साल से ऊपर की महिलाओं को महिलाओं का ब्यूटी कॉन्टेस्ट था। इसमें विनर अभी हम उनसे बात करेंगे, विनर का आपको आगे क्या कुछ कहना है विनर का वो सुनाएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि इसमें टेक्निकली कहीं भी कोई भी कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें तीन विनर, एक रस्म है, उस रस्म के हिसाब से तीन विनर घोषित किए गए। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल इस कार्यक्रम में हर कोई विनर रहा है, और सिर्फ पार्टिसिपेट करने वाले ही नहीं, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले भी अपने आप में विनर है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी सोच, जहां 30 से ऊपर की महिलाएं अपने आप को एक घर के अंदर कैद करके रख लेती, वहीं यहां उनको बाहर लाके उनकी प्रतिभा को दिखाना, ये सोच काफी बड़ी है। इसमें कई लोगों ने देवेंद्र खन्ना जी जो वसई सत्ता के संस्थापक है उनकी मदद की, उनका सहयोग किया, और देवेंद्र खन्ना जी ने इतने अच्छे से कार्यक्रम आयोजित किया। वसई से यूसुफ एक नई सोच लेकर आए, क्या कहेंगे, ये सोच कहाँ से आई और प्रोग्राम को आप कितना सक्सेस मानते हैं, क्या इसके बारे में? सोच जो है वो भगवान देता है, ये कहीं से आती नहीं है। मैं कभी भी कुछ सोचता हूँ तो अलग हटके ही सोचता हूँ, और इस समय भी मैं काफ़ी समय से इंडस्ट्री से दूर हूँ, लेकिन इंडस्ट्री से दूर रह के भी मैंने बहुत सारे स्टोरीज लिखे हैं। अभी बहुत सारे स्टोरी आती हैं लेकिन सिमिलर मिलती हैं, लेकिन मैंने जो अब तक स्टोरी लिख रखी हैं 10-12 स्टोरी मैंने लिखी हैं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला 10 साल से, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, फाइनेंसर नहीं मिला, तो मैं नहीं बना पाया। लेकिन अब ये एक ज़रिए से मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज़ बना रहा हूँ, और अगर भगवान ने चाहा तो कंटिन्यू हम वेब सीरीज बनाते रहेंगे और नए आइडिया आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सब नए आइडिया मुझे अपने आप भगवान देता है, कहाँ से आते हैं मुझे भी नहीं पता। मैं ऐसी सोचता हूँ और कभी कभी रात में भी सोच लेता हूँ, सपने में भी सोच लेता हूँ, सुबह मुझे लगता है ये लिखना है सब्जेक्ट, तो मैं लिख के रख लेता हूँ। तो इस तरह के आइडिया जो लास्ट ईयर मैंने ऐसी वुमेंस को प्राइज़ दिए थे, फेलिसिटेट किया था, जो छोटे तबके से हैं, जो स्वीपर हैं, रिक्शा चलाती हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाली हैं, इस तरह के छोटे छोटे जितने भी काम करती हैं, तो उनको मैंने फेलिसिटेट किया था। आज ये भी मैंने सोचा कि 20 से 25 साल 30 साल तक की औरतों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन 30 के बाद औरतों के पास जो है, महिलाओं के पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा अपने को परफॉर्म करने के लिए, अपने को दिखाने के लिए, अपने हुनर को दिखाने के लिए, वो अपना हुनर दिखा पाएँ, इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा है। और उनको आगे बढ़ाना भी मेरा काम है, उनमें से जो भी मेरी वेब सीरीज़ में काम करना चाहेंगे वो तो करेंगी, विनर भी करेंगी, तो आगे उनका क्या टैलेंट है उनको और आगे ले जाने का मैं कोशिश करूँगा।
हाँ जानना चाहूँगा देवेंद्र जी के पहल के बारे में जानना चाहूँगा और जो सपोर्ट उसके बारे में बताइए क्या। इन्होंने जब हमें कॉन्टेस्ट के बारे में बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा। प्लस 40 ये एक अलग लेवल की बात है और उनकी कॉन्टेस्ट करना ये भी एक अलग लेवल की बात है। तो उनको उसमें कॉन्टेस्टेंट भी बहुत काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट हुए। उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर ये काम किया और जो मेहनत की, उनके जो पूरा ग्रुप और सर्कल हम देख रहे हैं, जैसे बड़े बड़े जजेस हमको मिले, ये इसके लिए ये प्रोग्राम के लिए बहुत काफ़ी काबिल तारीफ थी। और जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो भी काबिल तारीफ था। और खन्ना साहब की डिसिप्लिन और जो जिस तरह से उन्होंने पूरा प्रोग्राम हैंडल किया, इट्स वेरी ऑसम, बहुत ही लवली। उनको अगले प्रोग्राम्स के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मैं तो बहुत खुश हूँ। सबसे पहले खन्ना साहब मुझे मिलने को आए और उन्होंने बताया आपका टाइम चाहिए और उन्होंने ये कॉन्टेस्ट और ये जो वेब सीरीज़ है उनके बारे में बताया, तो मैं मन ही मन खुश हो गई क्योंकि उसमें मुझे मेरा भी रूप दिखाई दिया कि सच्ची हम लोग, मेरा शादी 18 साल में हुआ, तो कई बार ऐसा लगता है कि हमें चांस ही नहीं मिला। हमें प्रेजेंट करने का प्लेटफॉर्म जो खन्ना साहब ने सबको दिया है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उनका मैं स्वागत करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ और ऐसे प्रोग्राम वो बार बार ले ये भी मैं मनोकामना करती हूँ। धन्यवाद। हम रेगुलर सपोर्ट करते रहेंगे। मैं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि हर एक जो एज ग्रुप था वो सारे सारे डिफरेंस थे, 30 एंड अबाव जो भी हमने देखा, और हम इसलिए नहीं जज उनको ठीक से यानी कर सकते बिकॉज वो लोग प्रोफेशनली ये चीज़ नहीं है, वो सारे हाउस मेकर हैं एंड उन्होंने ये सीखा हुआ नहीं है। वो सारे यानी हम देखेंगे तो वो एरिया को ना देखते हुए उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंसेस दिए, तो इसलिए थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी हुई कि हम इन लोगों को किसको आगे करें किसको नहीं। बट यस, एज वुमेंस हम लोग देखते हैं कि हमें बचपन से कहीं सिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, जो भी जैसे जैसे आता है वैसे हम उसको फेस करते हैं, हमें वो इनबॉर्न है हमारे में वो क्वालिटी, और उन्होंने सब ने ही अपना बेस्ट दिया है। हमने अगर उनके इंटरव्यूज़ या उन्होंने जो एक एक स्पीच दी है कि ये टाइम हमने अपने आप को दिया है, हम फैमिली को तो देते ही है बट ये एक मी टाइम जो उनको मिला है, 3-4 दिन से वो लोग अपने लिए सोच रहे हैं मैं क्या पहनूं, मैं कैसा वॉक करूं, मैं क्या खाऊं, मैं कैसे अच्छी दिख सकती हूं, मैं ये पहनूं वो पहनूं, यानी खुद के लिए उन्होंने जो सोचा है वो उनको एक मी टाइम मिला है। सो ये शायद उनके लिए बेस्ट टाइम रहेगा आई थिंक सो। के बारे में देवेंद्र जी का ये जो इनिशिएटिव है, किस प्रकार जज के आपने कंटेस्टेंट्स सपोर्ट होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी, थैंक यू कहना चाहूँगी कि इन्होंने इस तरह का ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और ये बहुत सही बात है जहाँ पे 30-35 पे आके लेडीज़ समझने लगती हैं कि अब मुझे सब छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाना चाहिए, वैसे उम्र में उससे ऊपर की उम्र महिलाओं को घर से बाहर निकलना और उसके बाद विनर को वेब सीरीज़ में काम देना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। यू नो दो उनको जब आप मोरल बूस्टअप करते हैं, लड़कियाँ कितनी इमोशनल हो गई, लेडीज़ यहाँ पे कॉन्टेस्टेंट में आई, उन्होंने अपने दिल की बात शेयर की, उनके घर की बात शेयर की, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रही थी और इस इवेंट की वजह से वो खुल के जो सामने आई है उनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा लग रहा है, उन सबके चेहरे पे मुस्कान है। और मैं बहुत खुश हूँ इस इवेंट पे, देवेंद्र जी के इनवाइट पे मैं आई हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रही है सबको देख के। समझ नहीं क्या बोला। ओके सॉरी, ओके, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देवेंद्र सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये जो इवेंट आज हो गया सिर्फ वुमेंस के लिए था और इसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। मैं बिज़ी थी, मेरा दूसरा इवेंट था पर वो वुमेंस के लिए था और वो वुमेंस के लिए मैं बहुत सारा बहुत कर चुकी हूँ और कर रही हूँ और करने वाली हूँ। सो एक इवेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज़ किया था सर ने, बहुत अच्छा टीम वर्क है। सो देवेंद्र सर थैंक यू सो मच, नाइस नाइस इवेंट। मैं जहाँ पे भी जजिंग के लिए जाती हूँ या पार्टिसिपेशन के लिए जाती हूँ, कभी भी मैं विनर के बारे में ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ। मेरे लिए हर एक पार्टिसिपेंट विनर है, मैं यही बता रही हूँ, हर एक पार्टिसिपेंट विनर है। अभी जो दूसरे पार्टिसिपेंट को मैं पीछे बैक स्टेज में एनकरेज कर रही थी
कि तुम लोग आगे जाओ और भी पार्टिसिपेट करो, आप ज़्यादा कर सकेंगे, जो इन लोग नहीं कर पाएंगे वो कर सकते हैं आगे जाके। सो मेरा फर्स्ट पेजन मैं विन नहीं हो गई थी 2018 में, तो मैंने गिवअप नहीं किया, मैं आगे बढ़ी, बहुत कोशिश की, बहुत प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस डेडिकेशन में ही होता है, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। मैं बैक स्टेज में वो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको यही मैं एनकरेज कर रही थी, यही मैं बताना चाहती हूँ उनको कि एवरीवन इज़ अ विनर, नेवर गिव अप। थैंक यू। हाँ, आज के कार्यक्रम के बारे में मैं बहुत खुशी से बताना चाहूँगी कि जैसे कि देवेंद्र सर ने ये इतना अच्छा मतलब इवेंट यहाँ आयोजित किया है, जिसके माध्यम से 30 प्लस के वुमेन्स को जैसे अभी आज बहुत इंस्पिरेशन मिला है, वैसे मैं उनको मतलब दरख्वास्त करती हूँ कि जैसे कि 30 प्लस जो मेन्स है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर वो सभी ने अभी बताया इवेंट में कि हर एक मतलब मर्द के पीछे भी औरत रहती है और औरत के पीछे भी मर्द रहता है, और दोनों के एक दूसरे के संबंध के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब उनका सपोर्ट होना चाहिए एक दूसरे को। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब कोई इवेंट रखेंगे तब उनके लिए भी, जेंट्स के लिए भी कुछ इवेंट रखना चाहिए, ताकि उनको भी कुछ मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, क्योंकि हर कितने सारे मर्दों को हम देखते हैं कि वो बहुत काम करते हैं, घर भी संभालते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये मौका नहीं मिलता है। और आज के बारे में बताऊँ तो 30 प्लस की जो वुमेन्स आई थी उनको बहुत अच्छा लगा, सब मुझे मिलके गई है अभी, उन्होंने सब ने बताया कि आज तक उन्होंने रैंप वॉक किया, उन्होंने कभी देखा तक नहीं था, ऐसी भी थी। और जो अपनी विनर है दीप्ति जी, उन्होंने बताया कि घर का सब काम करके वो आई है, और उसको उनको तो मौका भी नहीं मिला है कि ज़्यादा मतलब तैयारी करने के लिए, फिर भी उन्होंने कॉन्फिडेंटली किया है, मतलब घर का सपोर्ट भी मिला है, तो घर का सपोर्ट और खुद का कॉन्फिडेंस इसके वजह से वो फर्स्ट आई है। और बहुत अच्छा सारा मतलब माहौल भी अच्छा था, और बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं कि आनंद का ही माहौल था, क्योंकि सब गाने थे, सब एंजॉय कर रहे थे, जो आया है इधर, मन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो, फिर भी सभी ने यहाँ एंजॉय किया है, और एंजॉयमेंट ही सब मतलब ज़िंदगी का नाम है, तो ये सब मज़ा सब ने लिया है यहाँ पर। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।